नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। महाराष्ट्र का सियासी रंग रूप काफी तेजी से बदल रहा है। दरअसल महाराष्ट्र के सियासत के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार और बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे जिस हिसाब से महाराष्ट्र की राजनीतिक किलेबंदी कर रहे हैं, उस किलेबंदी के भीतर शिंदे गुट और भाजपा दोनों दम तोड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी भले ही शिंदे को लेकर महाराष्ट्र की सियासत में सबसे बड़ा दाव चलने का दावा करते रहे, लेकिन अब जो परिस्थिति बदल रही है उसमें साफ तौर पर लगता है कि बीजेपी के घर में सेंधमारी हो गई और शिंदे पर ठाकरे ने जिस हिसाब से आक्रामक रवैया अपनाया है वहां से राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरीके से बदला हुआ दिखाई पड़ रहा है। हाल के ही दिनों में उद्धव ठाकरे ने एक महासभा का आयोजन किया। उस महासभा में जो जन सैलाब उमड़ा उसे देखने के बाद न तो भारतीय जनता पार्टी के फडणवीस ठीक से सो पाए होंगे, न ही शिवसेना के बागी शिंदे को नींद आई होगी। वो भीड़ अभूतपूर्व थी। इसे वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा ने भी उस वीडियो क्लिप को शेयर करते हुए लिखा कि ऐसा हमने बीते कुछ सालों में तो नहीं देखा है कि उद्धव ठाकरे के लिए इस तरीके से जन सैलाब का आना क्या कहलाता है। और उन्होंने फिर चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा, वो चुनाव आयोग जो शिवसेना का असली हकदार उद्धव ठाकरे को नहीं मानता है। दीपक शर्मा ने अपने ट्वीट में क्या लिखा है वो जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए, उसके बाद हम आगे पूरी पटकथा को समझाने की कोशिश करेंगे जिसमें महाराष्ट्र का सियासी रंग रूप काफी तेजी से कैसे बदल रहा है और बीजेपी को कितना बड़ा झटका वहां पर लगने वाला है। दीपक शर्मा ने जन सैलाब की तस्वीर को विजुअल्स को शेयर करते हुए लिखा, इतनी भीड़ हाल फिलहाल में महाराष्ट्र में नहीं देखी गई और ये भीड़ उस ठाकरे की रैली में आज रात थी जिस ठाकरे को चुनाव आयोग ने शिवसेना का नेता नहीं माना। चुनाव आयोग के फैसले पर यह जन सैलाब अब सवाल है। इसका असर भी आप देख रहे होंगे। महाराष्ट्र में अभी दो सीटों पर उपचुनाव हुए, दोनों सीटों पर भाजपा का दबदबा था। 28 साल बाद महाविकास अघाड़ी ने भाजपा के किले में सेंधमारी कर दी, क्योंकि जिस हिसाब से शिंदे और भाजपाइयों ने खेल किया, महाराष्ट्र में सियासी उथल पुथल मचा डाली, वैसे परिस्थिति में जनता ने उद्धव ठाकरे और महाविकास अघाड़ी पर भरोसा जताया। नतीजा यह हुआ कि 28 साल बाद कस्बा पेठ में महाराष्ट्र के इस विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपनी सीट हार गई और शिवसेना एनसीपी साथ ही साथ कांग्रेस के इस गठबंधन ने बता दिया कि ताकत और सच के साथ जनता खड़ी है और शरद पवार यहीं से महाराष्ट्र की सियासत की नई दिशा और दशा तय करने में जुट गए। जीते हुए विधायक उनके पास पहुंचे, उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बताते हैं कि एमबीए अब चुनाव के बाद नहीं, चुनाव में साथ साथ मैदान में उतरेगा और यहां पर जब सियासी लड़ाई होगी तो वहां न शिंदे टिकने वाले हैं न भारतीय जनता पार्टी टिकने वाली है। विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र में 2024 में होंगे। विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव को मत भूलिए, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। लोकसभा चुनाव में भी एमबीए साथ साथ चुनावी मैदान में उतरने वाली है। जो वहां पर मजबूत गठबंधन दिखाई पड़ता है उसका असर भी हो चुका है। एक सर्वे सामने आया है, उस सर्वे में साफ तौर पर बताया गया है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी जो 48 लोकसभा सीट में से 41 पर कब्जा जमाए बैठी थी और मात्र 5 इन महागठबंधन वालों के पास गया था, वो परिदृश्य बदलने वाला है। कम से कम 6 गुना सीट जो है इस बार लोकसभा की महाविकास अघाड़ी की ओर जा रही है, यानी उद्धव ठाकरे के साथ, एनसीपी के साथ, कांग्रेस के साथ। ये इंडिया टुडे के साथ हुए सर्वे का जो है रिजल्ट है। मूड ऑफ द नेशन के नाम से एक सर्वे हुआ था, एबीपी न्यूज की यह खबर आप अपने स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। इस सर्वे में ही बताया गया है कि कम से कम 31 सीट जो है वो महाविकास अघाड़ी को मिलने जा रहा है, यानी एक बहुत बड़ा सेटबैक भारतीय जनता पार्टी के कुकृत्यों पर। जनता का मूड बिल्कुल क्लियर है। अगर लोकसभा में इतना बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में लगने जा रहा है तो समझ लीजिए कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में भी, निकाय चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट की राहें बिल्कुल बंद हो रही है, क्योंकि सियासी किलेबंदी इस बार खुद शरद पवार उद्धव ठाकरे के साथ और कांग्रेस के साथ मिलकर कर रहे हैं। जब यह किलेबंदी हुई है तो शिंदे गुट की सारी
जालसाजी और चालबाजी धरी की धरी रह गई है। भाजपा जिस हिसाब से उसे प्रॉम्प्ट करने पर लगी हुई थी, भाजपा के भी दाल अब महाराष्ट्र में गलती हुई नहीं दिखाई पड़ रही। और इस बीच में जो जन सैलाब उमड़ा उद्धव ठाकरे की सभा में, उस सभा में उद्धव ठाकरे ने भी जनता में जोश भर दिया। उन्होंने शिंदे को आड़े हाथों लिया और कहा कि यह मेरे पिताजी को चुरा लिया है, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना को इन लोगों ने हथिया लिया है, कब्जा कर लिया है। फिर एक वाकया वो शेयर कर रहे हैं जो हमने नवभारत टाइम्स पर देखी है। यह खबर अगर सच है, उद्धव ठाकरे अगर बिल्कुल सही कह रहे हैं, जनता से वो सही वार्तालाप कर रहे हैं, तो क्या जय शाह शिंदे के लिए खतरा बन सकते हैं? जय शाह शिंदे से चिढ़ चुके हैं। एक फोन आया उद्धव ठाकरे को जय शाह का, शिंदे को लेकर के क्या कुछ बातचीत हुई वो जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए, आप भी दंग रह जाएंगे। हेडलाइन में ही है, उद्धव ठाकरे पुणे में थे अमित शाह, तभी जय शाह ने किया उद्धव ठाकरे को फोन। क्या है मामला? मामला समझना होगा तो थोड़ा खबर को भी हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसमें लिखा गया है, उद्धव ठाकरे ने कहा कि अमित शाह पुणे आकर गए और मुझे जय शाह का फोन आया। जय शाह ने मुझसे कहा कि उद्धव जी आप यह सब कैसे करेंगे, मैं बहुत परेशान हूं। मैंने उनको पूछा कि क्या हुआ, जिस पर जय शाह ने कहा कि आपके पिता की फोटो चुराने के बाद अब ये लोग एकनाथ शिंदे के बारे में बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि अमित शाह पिता की तरह, क्या यह लोग अब मेरी प्रॉपर्टी भी चुरा लेंगे। इस पर मैंने जय शाह से कहा कि घबराइए मत, एकनाथ शिंदे को इस बात की आदत है, आने वाले दिनों में यह लिस्ट और भी लंबी हो जाएगी। फिर उन्होंने कहा कि आज यह पिता समान है, कल वो पिता समान, शिंदे के लिए ऐसा ही है, कुछ तो शर्म करिए, यह वैचारिक दिवालियापन के लक्षण है, खुद के व्यक्ति में कुछ नहीं था तो दूसरों के पिता चुरा लो। इसी वजह से सरदार पटेल ने गुजरात में आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था, इन्होंने पटेल सुभाष चंद्र बोस के बाद अब बाला साहेब का नाम और तस्वीर को चुरा रहे हैं। तो देखा आपने, इन्होंने कितनी बड़ी बात जनसैलाब से कह दी, शिंदे छटपटा कर रह गए हैं, उनकी प्रतिक्रिया को भी कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन उद्धव ठाकरे जिस हिसाब से जनसैलाब के सामने हुंकार भर रहे थे, उससे साफ लगता है कि यह जो अद्भुत जनसैलाब है उनके साथ ही खड़ा है। सियासी परिदृश्य इसलिए बदलने वाला है क्योंकि शरद पवार चाहते हैं कि महाविकास आघाड़ी के तमाम जो दल हैं वो एक साथ एकजुट रहें, लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पटखनी दें। तो यह सियासी दांव काम आने वाला है। याद कीजिए बिहार में भी जब भी लालू और नीतीश मिले, भारतीय जनता पार्टी की सांसें फूल गई, वहां पर स्थिति यह हो गई कि बीजेपी को सत्ता में आना मुश्किल हो गया। वैसे ही ठीक शरद पवार महाराष्ट्र की सियासत के चाणक्य हैं, वो अगर फैसले ले रहे हैं और उद्धव जिस हिसाब से लोगों के बीच उतर चुके हैं, लोगों का अपार समर्थन उन्हें मिल रहा है, वहां से सियासी परिदृश्य काफी हद तक बदलती हुई दिखाई पड़ रही है। और महाराष्ट्र की सत्ता इस बार कह रही है कि नहीं, बदलाव चाहिए, करवट लेने की ओर महाराष्ट्र बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आपको बता दें कि शरद पवार से भी एक बात पूछ लिया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही कि क्या महाविकास आघाड़ी साथ रहेगा, आने वाले समय में चुनाव साथ में लड़ेगा, तो उस पर जवाब सुनिए। पवार से सवाल पूछा गया, क्या आगामी निकाय चुनाव में एमवीए द्वारा संयुक्त रूप से चुनाव लड़ने का फॉर्मूला दोहराया जाएगा? इसके जवाब में उन्होंने कहा कि राकपा में उनके सहयोगी इस पहलू पर गौर कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हालांकि मेरा प्रयास यह सुनिश्चित करना होगा कि एमवीए के घटक एक साथ रहें, संयुक्त निर्णय लें और राज्य विधानसभा और लोकसभा चुनाव का एक साथ सामना करें। अगर ऐसा संभव होगा तो महाराष्ट्र में बीजेपी की राहें तो समझिए बिल्कुल मुश्किल हो जाएंगी, और शिंदे का तो हवा भी नहीं लगने जा रहा है, क्योंकि शिंदे सिर्फ इस वजह से जाने गए क्योंकि उन्होंने शिंदे प्रकरण किया, बगावत की, इस वजह से उनका नाम सामने आ गया। नहीं तो एक नाथ शिंदे का अपना अगर जनाधार थोड़ा बहुत है भी तो उनके साथ गए विधायकों के लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि इन लोगों ने अपनी छवि खराब कर ली है। और चुनाव में ये लोग अगर मैदान में उतरे तो इनके लिए सिर्फ और सिर्फ कांटे ही मिलेंगे। संघर्ष बहुत बड़ा है और यहाँ पर विजय रथ शरद पवार और उद्धव ठाकरे के लिए इंतजार कर रहा है, रथ पर चढ़ना है, सत्ता तक पहुँचना है, साफ तौर पर यही दिखाई पड़ता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।